हेलो नमस्कार, काद्यांश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बहुत ही कमाल के किचन के टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं। तो मैं उम्मीद करती हूं मेरी आज की वीडियो हर बार की तरह आपको अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले वाला टिप बहुत ही कमाल का है, आपके काफ़ी काम आने वाला है। अगर आप भी अपनी सब्जियों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए कसूरी मेथी का यूज़ करते हैं तो ये वाला टिप आपके ज़रूर से काम आएगा। तो जब भी आप कोई स्वादिष्ट सब्जी बनाने वाले हैं और कसूरी मेथी का यूज़ करने वाले हैं तो किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, झटपट ही आपका समय भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी। अक्सर क्या होता है, कसूरी मेथी में बहुत जल्दी मॉइस्चर पकड़ लेता है और इस वजह से जब हम इसे क्रश करते हैं तो इसका बारीक सा पाउडर तैयार नहीं होता है और फिर जब हम इसे सब्जी में डालते हैं तो मेथी के पत्ते बड़े बड़े अजीब से लगते हैं, फिर स्वादिष्ट नहीं लगती हमारी सब्जी। तो जब भी आप खाना बनाते हैं, जैसे चावल या फिर सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं या फिर दूध गर्म कर रहे हैं, तो उस बर्तन के ऊपर ढक्कन लगा करके बस इस तरीके से थाली या प्लेट में कसूरी मेथी को फैला दीजिए और फिर आप इसे उस बर्तन के ऊपर रख दीजिए। तो इस तरीके से आपकी मेहनत भी बचेगी, आपको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कसूरी मेथी को कुछ देर के लिए तवे पे या फिर कढ़ाई वगैरह में क्रश करने के लिए, इसे क्रिस्प सा तैयार करने के लिए। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, इससे मेहनत भी बच जाती है मेरी, अलग से इसे भूनना नहीं पड़ता है कुछ देर के लिए या फिर माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय भी बच जाता है, मेहनत भी बचती है और फिर हमारी जो फ्यूल है वो भी बच जाती है। हमारी जो LPG गैस यूज़ होती है इसे भूनने में या फिर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है माइक्रोवेव में इसे भूनने के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी मेहनत भी बचा सकते हैं और पैसों को भी बचा सकते हैं। अब बस हल्का सा जब आप क्रश करेंगे तो इसका आप देख सकते हैं किस तरीके से फाइन सा पाउडर तैयार हो रहा है। तो मैं जब भी मार्केट से लेकर के आती हूँ कसूरी मेथी को, इस तरीके से भून लेती हूँ बर्तन पे रख करके। किसी भी गर्म बर्तन पे आप इसे रख दीजिए, लगभग 8 से 10 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्प हो जाता है, जो भी मॉइस्चर है वो उड़ जाता है। फिर आप इसे क्रश करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको अपनी सब्जियों में डालना है आप तुरंत ही यूज़ भी कर सकते हैं। आपको अलग से मेहनत भी नहीं लगेगी, आपका समय भी बचेगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आपकी मेहनत और समय दोनों ही की बचत होने वाली है। स्टफिंग वाले पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं लेकिन उनमें दिक्कत ये होती है, थोड़े से मोटे होते हैं तो इसीलिए कहीं से कच्चे रह जाते हैं और कहीं से पक जाते हैं। लेकिन जिनको एक्सपीरियंस होता है कई सालों का वो आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो नया नया कुकिंग शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, पराठे कहीं से कच्चे रह जाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे इवनली हम इन पराठों को सेक सकें सभी साइड से? तो इसके लिए जो भी आपकी घी दानी होती है उसका ढक्कन होता है, उसके ऊपर एक पकड़ने का हैंडल सा बना होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पराठों को सेकने के लिए। या फिर अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो मैशर अगर आप नया नया कुकिंग सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। थोड़ा सा गर्माहट भी आपको कम लगेगी पराठों की, क्योंकि इसका हैंडल थोड़ा बड़ा होता है तो ईजिली आप पकड़ करके सभी साइड से प्रेस कर सकते हैं और सभी साइड से बहुत ही अच्छे से आप इनको सेक सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी वाला पराठा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा आप सेक सकते हैं, कम क्रिस्पी चाहिए तो थोड़ा कम सेक सकते हैं और इस तरीके से सभी साइड से इवनली ये अच्छे से सेक जाता है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार हैक है ये, तो आप इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। किसी भी पराठा जैसे आलू का, पनीर का या फिर कोई भी स्टफिंग वाला पराठा है, गोभी मूली वगैरह का, तो उसके लिए आप इस पोटैटो मैशर का यूज़ कर सकते हैं और इजीली आप अपने पराठों को सभी साइड से अच्छे से सेक सकते हैं। सर्दियों में हमें अपने बर्तनों को साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि उसमें जो भी चिकनाई या चिपचिपापन है वो इजीली नहीं जाता है। अगर आपके किचन में गीज़र लगाने की जगह नहीं है, गर्म पानी की कोई सुविधा नहीं है तो ऐसा क्या करें? तो यहाँ पर मैंने लिया है डिश जेल थोड़ा सा और थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है, तो ये ट्रिक आपके काफ़ी काम आएगा। गर्म पानी डाल करके फिर आप अपने बर्तनों को इस तरीके से मांझ लेंगे तो जो भी चिकनाई है वो बहुत ही ईजीली उतर जाती है और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। अगर किचन में गीज़र नहीं है तो भी चलेगा, आसानी से जो भी चिपचिपापन रह जाता है वो नहीं बचेगा आपके बर्तनों में और अच्छे से साफ हो जाएंगे आपके बर्तन। तो मैं अक्सर अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए डिश जेल का यूज़ करती हूँ। तो लेकिन अगर आप डिश जेल का यूज़ नहीं करते हैं, अपने बर्तनों को धोने के लिए अगर आप साबुन का यूज़ करते हैं तो ये वाला ट्रिक आप आजमा सकते हैं। किसी भी बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिएगा और फिर अपने साबुन को साइड में रख लीजिए। स्क्रबर को आप गर्म पानी में पहले डिप कर लीजिएगा और उसके बाद साबुन लगा करके फिर आप अपने बर्तनों को मांज सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपके जो बर्तन हैं उनमें जो भी चिकनाई है तेल या घी की वजह से वो सारी बहुत ही आसानी के साथ में उतर जाती है और सभी बर्तन अच्छे से
साफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो आप ये ट्रिक आज़मा सकते हैं, और अगर आप ये वाला ट्रिक पहले से ही अपनाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे जान करके बहुत खुशी होगी। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी और यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने लाइक के ज़रिए मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ले करके आती रहूँ। और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस यूज़फुल वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ये कुछ टिप्स उनके भी काम आ सकें, उनका भी किचन का काम आसान और बेहतर बन सके। तो ये देखिए, इस तरीके से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, और बहुत ही कमाल का तरीका है। मैं सालों से इस तरीके को आजमा रही हूँ सर्दियों में खास करके। अब देख लेते हैं एक ऐसी बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट वाली चटनी जो हम बनाएंगे अमरूद से। और ये अमरूद थोड़ा सा पका हुआ है, सॉफ्ट हो चुका है। इन दिनों में अमरूद बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं, तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने ये कुछ चीज़ें ली हैं। चलिए आगे हम डिटेल में देख लेते हैं किस तरीके से हम अमरूद की चटपटी स्वादिष्ट चटनी बनाएँ। तो यहाँ एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर करके तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा जब थोड़ा चटक जाए फिर हम हींग डाल देंगे 2 चुटकी, और 1 प्याज को बारीक काट करके फिर हम इसमें थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हल्का सा गुलाबी हो तब तक ही भून लेना है। उसके बाद में 3-4 लहसुन की कलियाँ मैंने क्रश करके डाल दी थी और उसको भी 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम जो अमरूद था सॉफ्ट वाला उसे चॉप करके फिर हम इसमें डाल देंगे, चाहे लाल वाला अमरूद हो या कैसा भी अमरूद हो, बस अमरूद होना चाहिए और सॉफ्ट वाला होना चाहिए। अब 2 मिनट के करीब मैंने अमरूद को भून लिया है और ये थोड़े से और सॉफ्ट हो गए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च का पाउडर, और 1 छोटी सी गांठ मैंने गुड़ की डाल दी है 1 चम्मच जितनी, और फिर नींबू का रस डाल दिया है 1/2 नींबू का रस, और 1/2 ग्लास पानी डाल करके अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स किया और ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट वाली चटनी तैयार हो चुकी है। अब आप इसे 2 से 3 दिन के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और अपनी रोटी पराठे थेपला वगैरह के साथ में एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी। अगर आपके पास अमरूद हैं और थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में अक्सर ठंडे पानी की वजह से हमारे जो सिंक में चिकनाई वगैरह है वो चिपक के रह जाती है, जम के रह जाती है। जो भी घी या तेल का यूज़ होता है हमारे कुकिंग में, उसकी वजह से जो हमारी सिंक की पाइप है उसमें खाने के पार्टिकल्स चिपक के रह जाते हैं, और बार बार हमें फिर मेहनत करनी पड़ती है इसे क्लीन करने के लिए। तो इस मेहनत से बचने के लिए अगर आप दिन में भी एक बार ये काम कर लेंगे तो काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसे साफ़ करने के लिए। हम सिंक को ऊपर से तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो पाइप है उसमें चिकनाई की वजह से खाना चिपक के रह जाता है और फिर बार बार हमारा सिंक चोक होता है और हमें फिर क्लीन करना पड़ता है। तो 2 से 3 ग्लास अगर आप गर्म पानी दिन में एक बार कभी भी डाल दें, सुबह के बर्तन धोने के बाद या रात के बर्तन धोने के बाद, तो जो भी चिपचिपापन की वजह से खाना चिपक के रह गया है वो सारा निकल जाता है और आपकी मेहनत भी बच जाएगी, इसे सफाई करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक आधी तो ऐसी जैकेट रहती ही है जिसकी जो चेन है वो फ्री नहीं रहती, इजीली खुलती और बंद नहीं होती है। तो उसके लिए ये वाला ट्रिक ज़रूर से आपके काम आएगा। थोड़ी सी वैसलीन ले लीजिए और चेन के दोनों साइड में आप इसे लगा दीजिए, थोड़ा सा ही आपको लगाना है, और उसके बाद में बस 2-3 बार आप इस तरीके से खोलेंगे और बंद करेंगे तो ये वैसलीन हर जगह अच्छे से लग जाएगी और ये बहुत ही फ्री हो जाती है। जो हार्ड हो चुकी थी, टाइट हो चुकी थी, वो बहुत ही ईजीली फ्रीली खुलती और बंद हो जाती है। या फिर आप वैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मोमबत्ती होती है उसे भी आप हल्का सा रब करेंगे तो भी ये काम इजीली हो जाता है। और आपको बाहर जाकर के टेलर के पास ये अलग से ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई ऐसी जैकेट रखी है तो आप ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। अब देख लेते हैं एक और तरीका। अक्सर हम बेड में या फिर अलमीरा वगैरह में अपने कंबलों को, रजाइयों को डाल करके रखते हैं, और जिस दिन फिर हम इसे यूज़ करना होता है तो इसमें बड़ी स्मेल सी आती है, बिना धूप लगाए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में धूप आती ही नहीं है। तो इसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी फैब्रिक सॉफ्टनर आप ले सकते हैं, ये मैंने 1 चम्मच जितना डाल दिया है 1 स्प्रे बॉटल में, और 2 चम्मच जितना मैंने सैनिटाइज़र डाल दिया है। अब इसमें मैंने 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है और अच्छे से फिर मैं इसे शेक कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिड लगा लिया अपनी स्प्रे बॉटल का, और शेक कर लीजिएगा, और उसके बाद में जो भी रजाई है, जो भी कंबल आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर धूप नहीं आई है और तुरंत ही आपको यूज़ करना है, या कोई घर पर अचानक ही गेस्ट आ जाए और तुरंत ही आपको बस बेड
से निकालना है और यूज़ करना है और उस गंदी स्मेल से भी बचना है, तो आप बस हल्का सा स्प्रे कर दीजिए और थोड़ा सा रब कर दीजिए। जो फैब्रिक सॉफ्टनर है वो बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए काम आता है, और जो हमने सैनिटाइज़र का यूज़ किया है वो सभी बैक्टीरिया या जो भी कीटाणु हमारे कंबल में हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए काम आता है। तो ये तरीका आप ज़रूर से आजमाइएगा, सर्दियों में बहुत ही यूज़फुल है। अब देख लेते हैं, अगर आप नारियल को लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं, ये कच्चा नारियल है और इसे अगर आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, जब भी आपको चटनी बनाने का मन करे या फिर अगर आप कोई ऐसी रेसिपी में नारियल का यूज़ करना चाहते हैं और आपके पास नारियल ना हो, तो ये तरीका काफ़ी काम आता है। बस नारियल को निकाल करके आप एक जिप लॉक बैग में या किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में जहाँ पर हम बर्फ़ वगैरह जमाते हैं, और 5 से 6 महीने तक आप इजीली इस नारियल को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, अगर आप अक्सर घी घर पे बनाते हैं और घी ख़राब हो जाता है, ऊपर से उसमें फंगस सा लग जाता है, तो ऐसा क्या करें कि हमारा घी सालों साल ख़राब ना हो। तो जब भी आप घी बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 से 6 लौंग का यूज़ कीजिएगा। जब घी लगभग बनने वाला हो तब आप लौंग डाल दीजिए और कुछ देर के लिए घी को पकने दीजिए, तो आप देखेंगे आपका घी फ्रेश रहता है, उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और उसमें कभी भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो घी अक्सर हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, अपने दिया वगैरह लगाने के काम में आता है। तो इस घी को आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, बस आप छान करके डब्बे में भर करके रख लीजिए और आपका घी एकदम फ्रेश रहता है। अगर आप एग बॉईल करते हैं और एग उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो ये वाला ट्रिक आप ज़रूर से आजमाइएगा। पानी को पहले एक बर्तन में गर्म कर लीजिए और फिर उसमें आधी चम्मच जितना नमक डाल दीजिए, और नमक डालने के बाद में मीडियम हीट पे 8 से 10 मिनट के लिए आप एग को बॉईल कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे आपने जो एग बॉईल किया है इसमें कोई भी क्रैक नहीं आई है। क्रैक नहीं आने से हमारा जो एग है वो टेस्टी भी लगता है, क्योंकि क्रैक जब आ जाती है तो उसमें पानी वगैरह चला जाता है एग में और वो टेस्टी भी नहीं रहता है। और इस तरीके से आप इसकी चाहे सब्ज़ी बनाएं या आप इसी तरीके से आप इसे खाएं, तो ये तरीका आपके काफ़ी काम आएगा। थोड़ा सा बस आपको नमक डाल देना है और इस तरीके से आप देखेंगे एग में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस यूज़फुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ये कुछ यूज़फुल टिप्स उनके भी काम आ सके, उनका भी किचन का काम आसान और बेहतर बन सके। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप कौन सा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।